सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल जो पक्ष गाड़ी में रहे है उस गाड़ी में 169 किलो वजनी 7 फुट से भी लंबा बला की बला जो टबर का शरीर और भाई 18 नंबर के जूते वाला फौलाद बैठा है। और मैं बताऊं नाम तो नहीं बता सकता लेकिन काम बता सकूं, काम है मानस रगड़न का ठेठा का पटकन का। तो फिलहाल हम सस्पेंस भी खत्म करांगे। करनाल तो मैं लाइव जुड़ रहा हूं और आप इस टाइम सीधा तस्वीर में देखोगे उस बला की बला ने और नाम आप खुद बता दोगे। मैं खुल जा सिम सिम ना बोलो ना भाई, ये देख लो भाई, ए धीरे धीरे चल 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 भाई साहब भाई साहब। मैं एकदम मस्त बिंदास जकास भयंकर जबरदस्त खतरनाक। देखिए भाई भाई सिटी सिटी लेके आओ रहे सिटी सिटी लेके आओ। खाली भाई हैं, बहुत बड़ा नाम है WWE में, WWF में जब रेसलिंग करके आए तो वर्ल्ड लेवल पर डंका बजा दलीप सिंह राणा का, यानी कि द ग्रेट खाली। तो उनकी एकेडमी है करनाल में, यदि नीलोखेड़ की हम बात करें एकेडमी और बना दी है और इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का आन बान शान अर्जारी आने वाले बड़का खतर देखा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। 169 किलो वजनी है, 7 फुट का लंबा युक्त का ठीक है, बला की बला है, बला की बला। हमारा दर्शकों राम राम भाई साहब, सारे भाइयों को राम राम बोलो। और आज देखिए आप कर्मो भाई साहब मेरे को ना इस तरह भी नहीं पहुंच पाएंगे ऊपर है। देखिए टिठा रहा मैं और बोले बहुत जल्दी ना रिंग पे आएंगे, मतलब ये रिंग पे आएंगे बहुत जल्दी हमारे CWE हमारी जो एकेडमी फाइट आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो CWE की एकेडमी है मेरी जो जलंधर में। जी जी आ जाओ एक बार खाली भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, आ गया अमित बाज का फटाफट आ गए, आगे निकल जा आगे निकल जा बस। चलो फिलहाल खाली भाई एक बार मेरे दर्शकों बोलते देसी देख बिना ब्रेक, वो देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। तो मैं एक बार बता दूं, यदि खाली भाई की आंखें में आंख मिलानी हो तो हमने या तो मुड्डा की जरूरत पड़ेगी या सिटी की जरूरत पड़ेगी या सटूल की जरूरत पड़ेगी। जी जी पे खड़े हो जाइए। तो फिलहाल हम बता दें आपने भाई साहब या टूट सके थे भाई, तो मैं बता दूं 18 नंबर का जूता है। आप देखो ये फौलाद है। और एक और बड़ी बात बता दूं मैं खाली भाई के बारे में, ये जो खुद भी तो फौलादी है, आड़ा हरियाणा के बड़का ने भी फौलादी बनाने खातर एक सपोर्ट्स अकेडमी नीलोखेड़ी में गिले गिले CWE, ये दिल में मेरे है CWE। तो खाली भाई हूं तो आप तो मैं भी पूछता ठीक खोल लागू भाई साहब क्या हालचाल है, इतना लंबे बला की बला हालचाल में तो कोई दिखते को नहीं बोला के आठ बैठ रहे और बोले मुसल कमी में के बीच है मुसल। और काम मैं बताऊं था, देखो नाम आपने मेरा पढ़ लिया द ग्रेट खली, काम है मानस रगड़न का मानस पटकन का, क्या रिंग में और दूर चटा गए रहे हैं जो उनका यू दिखाई भाई साहब एक बार हाथ, ये हाथ हाथ नहीं हथौड़ा है ये देख लो ये देखियो मेरा तो हाथी के बीच में ऐसा आ गया दोनों। अच्छा एक चीज हो रहा है भाई साहब, ये देखो बोला एक बार लग जाए तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, दिखाओ जी। और आप इस बॉक्सिंग का जो पंच है मैं बता दूं खाली भाई के करने जा रहे हैं। खाली भाई बताओ भाई साहब जो आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें के खूब रहूंगा, एक बार दिखा देना सारा एक बार, फिर उसके बाद खाली भाई पे हम पूछेंगे जितने भी दर्शक अलग अलग शेयर करते रहो। खाली भाई साहब 2000 लोग लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ अभी, आपका जो आपकी उससे भी एक बार शेयर कर लियो ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे मैसेज पहुंचे, क्योंकि हरियाणा वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कर्मों का जो इंस्टाग्राम है उसको भी शेयर करिए, जो फेसबुक है उसको शेयर करिए और जो मेरा इंस्टाग्राम है उसको भी आप शेयर करिए। और जिन्होंने रेसलिंग सीखनी है वो जलंधर भी आए जो CWE की एकेडमी है वहाँ पर आप सीख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर मैं जो समाना भाव में एकेडमी बना रहा हूँ, वर्ल्ड की नंबर वन एकेडमी बना रहा हूँ, और ये जो मेरा यहाँ पर जो हेडक्वार्टर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस बहुत है। कितने जगह है खाली भाई? यहाँ पर मेरे पास 10 एकड़ है जिसपे मैं मतलब ना पूरा मतलब जैसे बॉक्सिंग जूडो और किक बॉक्सिंग बुशो
और रेसलिंग और वॉलीबॉल, ये 6-7 गेम में जो मैं रखूंगा, एक स्पोर्ट्स एकेडमी प्रॉपरली बनाई है मैंने। जी जी खाली भाई एक मिनट, मैं क्रिकेट की पिच दिखा दूं। क्रिकेट की पिच दिखा भैया, क्रिकेट की पिच, अरे उरा आना जोड़ के चांद लेकर यार दिखा, या क्रिकेट की पिच है भाई, या देखियो एक बार नीचे ऐसे करो जी, ये देखो भाई, तो मैं बता दूं या क्रिकेट की पिच भाई साहब देखो ना, दिखाइए ऐसे रखो, बस ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे करो, ईव दिखा भाई, दिखाइए, देखियो क्रिकेट की पिच कौन भाई, देखो भाई, देखियो रहा है तो फुटबॉल भी खेल जाए कोई तो खाली भाई। अच्छा जूता, जूता आपने देखना हो एक बार, खाली भाई का जूता देख लो, जूता की शायद आ रही है जूता, लेकिन ये यहाँ जो बारिश हुई है सारे बिल्कुल बारिश से बिल्कुल खराब हो गए। और आप जो यहाँ पर पहुंचे हैं, आप अच्छे से 2 साल पहले आए थे और 2 साल के बाद फिर आए आप, वो मेरे ऊपर प्रेशर था, कितना ऑडियंस का प्रेशर था भाई, वो कार्ड एकेडमी कड़े हुआ। अच्छा, खाली भाई वाली कैसा लग रहा है आपको? अब हमें लग रहा है भाई, हाँ टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। अच्छा एक हमारे हरियाणवी में कहावत है खाली भाई, बोले ओछी पूंजी खसम ने खावे, भाई बड़ा काम करने की तो बड़ा काम ले गया। हाँ जी कैमरा उधर ले गया भाई, अरे भाई कैमरा उठा लिया भाई, बड़े किसान लेकर रहे ऊपर, अरे देखो लोकेशन दिखा रहा। जी 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 भाई, ओची पूंजी खसम ने खाओ, इसका मतलब ये है यदि काम 100 रुपए का है और अपने तो 40 रुपए पड़े हैं, 40 रुपए में 100 रुपए वाला काम हो जाएगा, 60 रुपए कमी में काम खराब, तो इसलिए आपने जब ये कहने पे वर्ल्ड की नंबर 1 एकेडमी खोलेंगे हम, तो आपके पास वो जुगाड़ और वो चीज है जिससे आप वो टेक्नोलॉजी वो फैसिलिटी दे पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास है जो जितनी चीजें लगती है, जैसे हॉल है मेरे पास, बहुत अच्छा हॉल बनाया है मैंने, जहाँ पर जिम है और ग्राउंड प्रॉपरली, जहाँ पर बॉक्सिंग, क्योंकि एक जो एकेडमी में बॉक्सिंग नहीं होती और कराटे नहीं होते, मतलब ये जो सारे जो 8-10 गेम है एक छत के नीचे आपको देखने को मिलेगी आपको। एक बार चले जी, देखे थोड़ा विजिट कर ले, बिल्कुल उधर भाई साहब बैठे रहो, एक बार तो बैठे रहो, फेसबुक खोलियो, फेसबुक पर संसार क्रांति बजाओ, अरे आप एक बार शेयर कर लो अपनी आईडी से, तो संसार क्रांति। तो भाई मैं बता दूं, बहुत बड़ी एकेडमी खुल गई है, पीछे देखो जीटी रोड आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऑन रोड है हाईवे पे और बहुत जबरदस्त नजारा हटेगा। और भाई साहब जो खली भाई है उनका एक सपना था, जिम में इंडिया में आऊंगा और तक खेल के WWE या WWE ओड़ा बतेरे नारियल से फोड़े लोगों के सिरा के ऐसे करके, भाई साहब कौन सा दाव था अपना ऐसे वाला, ये दाव था, ये दाव का घाव कभी खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं होता है दाव का घाव। और जूते देखिए ना, मर गए दाव और 178 किलो वजनी आदमी की, इसलिए कमाए कर रहे भाई साहब, शोल तो नीचे और है भी, शोल तो नीचे दब लिया। अच्छा इमाम आपने बतावांगे के फैसिलिटी अड़े, बहुत जल्द इसकी ओपनिंग होने वाली है, कब तक ओपनिंग हो जाएगी खली भाई? ये मतलब मैं अभी करता हूँ, बाद में अभी मैं भी लाइव कर देता हूँ, ओके ओके ओके, फिर उसके बाद हम करते फिर। अच्छा आप एक बार चले यार उसको लाइव चले एक बार, तो खली भाई एक बात, आप भी कसुत्ता काम करे महाराणा कर लियो एक बार शेर, कमाल कर दिया जी, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, जालिम समझा करो। आपको मैं फॉलो क्या शेयर करूंगा आपका जी जी, ये मेरा चलो। और एक भाई आम सुनो, खली भाई ने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कराया है, इसके लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल की गहराइयों से, आप हमारे भाई हो दिल की गहराइयों का, चोवा में तो गठड़ी बांध के परोठे भर के, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये देखो मेरे को, ये जो आपने हरियाणियों पे बोला, देखो मैं खड़ा हूं खली भाई, वो मैं बताना नहीं आ रहा, लेकिन मतलब आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ। खली भाई एक बार बोल दो, इस वीडियो ने, हाँ बोलो, इस वीडियो ने याना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक शेर कर दो चलो मैं घर में दिखाऊंगा आपने, और कर दियो भाई गले गले शेर में कर दो। तो खली भाई को आप देख रहे हो फिलहाल 7 फुट है लंबी कद का, ठीक है, और यह स्पेशल कुर्सी इनकी, आप चढ़ो हाँ
और ये देख लो भाई, ये खली भाई देखो हमारे से बहुत बहुत सीनियर है, हम इनका रिकॉर्ड करा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी चीज की उपलब्धि अपने देश को दी है, उसके लिए हमारा दिल से सैल्यूट आपको। तो ना राणा जी के पंगा ले लिया ना किसी ने, तो मेरा कौन सा गाना चलेगा, राणा जी हमको तो माफ करना गलती मारे से हो गई। चलो जी आओ आओ आओ, आपको बात से जाना पड़ेगा। जी जी भाई साहब, एक डायलॉग बोलते हो अपने हरियाणा के, आप बोलो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना बड़ा जोड़, इतना बड़ा जोड़, मैं ऐसे एक भी नहीं, मैं ऐसे एक भी नहीं। तो खली भाई को, खली भाई हरियाणा रहे तो सीख ली है मैंने, हरियाणी मैंने सीख ली है थोड़ी थोड़ी। खली भाई हरियाणा में आ रहे तो हरियाणवी सिखावांगे इन्हें। और जी आज पीछे चलते रहो, ये आप सारी तस्वीरें देखते रहियो भाई। और खली भाई के लिए एक बड़ी बात यह है भाई, वहाँ अपने घर में जी बल्ब लट्टू ट्यूब चसानी हो, पंखा चढ़ाना हो, सीधा सिटी सिटी की जरूरत कौन पड़ती। तो फिलहाल ये कराना हो खुद अपने घर पे तो मेरे को मतलब कॉल कर सकते हैं, पहले आपने कर्मू को करना कॉल, कर्मू फिर मेरे को संपर्क करेगा, तो फिर हम जो भी घर का काम होगा तो जरूर उसको पूरा करेंगे। हरियाणवी में इतना लंबा तकड़ा तो मैंने पता क्या बोला जी, पीरियड की पीरियड, पीरियड की पीरियड, पीरियड की पीरियड, की पीरियड बला की बला, पीरियड की पीरियड बला भाई, जब यू के बला है। ओहो ये तो चांद में ताक हो गया या के बला यू भाई साहब, यू तो तुम गलत सिस्टम हो रहा है, यू आपका इतना बढ़िया सिस्टम है, सारी अकेडमी यारे में माखी भी दिखने लग रही है खली भाई। ये तो ये चीज तो भाई देखो दर्शकों का भी हम अपील करेंगे, या चीज जो है नी यू है गंगड़ लो लंगड़ जो भी है, या चीज तो अच्छी कौन लग गया है, ईसा लाके चांद में दागे गलत है ये बिल्कुल। मैं बताऊं एनवायरमेंट को बड़ा नुकसान है, और सबसे बड़ी बात क्या कि जो एकेडमी है हमारी एकेडमी के पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो नॉर्म्स हो कई तरह के, बहुत नॉर्म्स होते हैं, हाईवे से जो नेशनल हाईवे है उससे 100 मीटर दूर होता है जी, और जो स्टेट हाईवे होता है 50 मीटर दूर होता है, और उसके सबसे पोल्टी इसके मतलब आबादी के से भी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर होता है जी। यहाँ पर तो बच्चे आएंगे, वहाँ सारे देश के आएंगे, और बच्चे यहाँ से बन के आगे देश के लिए बड़ा नाम रोशन करेंगे, तो यहाँ बच्चे बड़े दिक्कत में आएंगे। तो ये जो एकेडमी है इस टाइम देख रहे हो, और मैं अपनो सीन याद दुआ दूं, जिब जिब भारत का ये धाकड़ छोरा अमेरिका का रिंग में दाड़ा था WWF में WWE में, तो वो स्टाइल के था तो ग्रेट खली, एक बार नू करके दिखाई भाई साहब वो पोज। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों देखो यार, मतलब यहाँ बहुत जल्दी आप एक जो इंटरनेशनल के जो खिलाड़ी तैयार होते देखेंगे आप, और बाहर से फॉरन से भी यहाँ पर आएंगे जो कोचिंग देने के लिए और उनको सिखाने के लिए। तो ये जो आप खाली जगह देख रही है एक ग्राउंड बन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही यहाँ पर जो स्मेल, जो ये पोल्ट्री फार्म की स्मेल और एक जो मक्खियां है ना, इससे बहुत ही एक परेशान। इसके भाई सब दो इलाज है, या तो सूंघ लो या इन हटा दो, सूंघ लो बोला सूंघे पेंडा छूटेगा, या तो सूंघ लो आ जाओ एक बंदा सूंघने का। हमारे बच्चे आएंगे, सभी के बच्चे आएंगे, देश के कोने कोने से बच्चे आएंगे। अच्छा ये सूंघने के लिए क्या, के लिए नहीं, रेसलिंग करने के लिए आया यहाँ पर। एक बैठाइयो भाई साहब, चक दियो, चक दो फटे, नहीं नहीं ऊपर नहीं चकना, ये ना ऊपर तक तो उठा दो, नहीं 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 देखो ये हरियाणा का है, मतलब बहुत बढ़िया, और इतने दूर उठा लो, नहीं उठाने का नहीं मतलब। अच्छा भाई साहब एक बार बता दो कहाँ कहाँ रिंग बनेगा, बताओ एक बार, एक मैं बता दूं कितने दिन में तैयार हो जाएगी भाई साहब सारिया। ये ज्यादा से ज्यादा मतलब 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। खाली भाई साहब का नू देखना पड़ा, नू करके नू करके देखना पड़ा, ऊपर देख के इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जिम हॉल है, आवाज गई, कर लो बंद हो गया, क्यों कर नहीं रखा था, कर दिया था, चीज से मोई बंद, ये वही है जो मैं बो जान, ना ना चल ले जी, चल ले जी, चल ले जी, चल ले, ओपन कर दिया, कर ले भाई एक बार बात से। चलो ये मैं बता दूं, हरियाणा वाले बालक का इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों करे, आप जो फाइट नु देखा थे टेलीविजन में ग्रेट खली की, द ग्रेट खली की, तो वो फाइट आड़े देखने मिलेंगी, इसे से और फौलाद ग्रेट खली भाई जिस तरह कह रहे हैं भाई हम तैयार करांगे और हरियाणा के बालक ने मौका देवांगे, आओ और अपना फौलादी
जो अपना लोहा मनवाओ और अपना खून पसीने की जो उनकी एड्डी तक चोटी तक की मेहनत करके दिखाओ। यहाँ पर रिंग लगाऊंगा। अच्छा आ रहे यहाँ पर रिंग लगाएंगे और मतलब जिसका सिर्फ जो एक आउटसाइड क्योंकि मतलब इतना स्टेडियम तो जो स्टेडियम इतना बड़ा तो बढ़ा नहीं सकते। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो रिंग है वो यहाँ लगाएंगे हम इस जगह में और जो ऑडियंस के लिए वो साइड जो ग्राउंड है साइड पे बैठेंगे और जो जिम है वो जिम हॉल ये आप देख रहे हैं। ये जिम हॉल है। जिम हॉल आप देख रहे हैं। अच्छा, और वो जो अपनी बॉक्सिंग की और वो कंपनी की बॉक्सिंग तो इसके अंदर ही होगी। बॉक्सिंग होगी जूडो होगी अंदर ही कुश्ती सिर्फ जो कुश्ती है कुश्ती के लिए हम यहाँ निकल गए। ओके ओके कुश्ती का वगैरह अपनी फाइट होगा फाइट का यहाँ सर। एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था भाई साहब, यहाँ तो बड़ा तो बनाएंगे जी लेकिन वो तो बच्चों को दिक्कत देगा पोल्ट्री फार्म वो पीछे भाई तो मक्खियाँ देखो जी पीछे देखो ये तो ये बिल्कुल दिक्कत करेगा जी पोल्ट्री जी 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 यहाँ बच्चे का दिक्कत बाहर आएगा। तो एक ही मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भी मतलब ताकि जो ये स्मेल है मक्खियाँ है जो दो मिनट के लिए सांस नहीं ले सकते अगर हाइजीनिक हाइजीनिक हवा ना होगी हाइजीनिक डाइट नहीं होगी तो रेस्टोरेंट कैसे बनेगा स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा। तो मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई इसको मतलब इसकी साफ सफाई करी जाए इसको बंद किया जाए ताकि मतलब यहाँ पर हरियाणा के रेस्टोर और पूरे हिंदुस्तान के रास्ते यहाँ आ सके ताकि यहाँ पर अपना भविष्य बना सके। फिलहाल आप देखो खाली भाई के साथ हम सेकंड कर रहे हैं लेकिन हाथ में थोड़ा है और फिलहाल यू एक बार थोड़ा इसके सिर पर दर्द होने लगा। अच्छा उन्होंने करा था किस तरह करते थे ऑफ कैमरा तो उठा लिया था इसका तो बताया कौन किसी ने ऑफ कैमरा तो उठा खाली भाई की उसे पोजीशन पे जो इनकी रिंग के अंदर हार्दिक वो पोजीशन हम करवा के एक बार कहेंगे। ये देखो ये पोजीशन था द ग्रेट खाली। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल इन तस्वीरें मैं छोड़ के जाऊंगा। आपने भी अपना दमखम यदि दिखाना है तो CWE की जो एकेडमी ओपन लग रही है लगभग कितना टाइम में ओपन हो जाएगी भाई? डेढ़ महीने बाद आ जाए। आजियो स्वागत है और अपने सपने साकार करने हैं तो आजियो और फिलहाल या जो चीज है इतना हम जरूर एक बार दिखाएंगे वापस आए मतलब इंटरनेशनल या जो चीज है या जो गंदगी है या जब बीच में तो अर्जे तो भाई साहब सोना पसवागा चार चांद लग जाएंगे फिर बिल्कुल ऐसे तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। देश के कोने कोने से बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आएंगे और यहाँ बीमार हो गए फिर करेंगे क्या कर बिल्कुल तो इससे इनको तो जो पड़ोसी है जिसका भी है ये उनको खुद सोचना चाहिए यहाँ पर देश सामाजिक काम करना खुद सोचना इसको शिफ्ट कर देने बच्चों का तो भविष्य ये तो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है बच्चे शिफ्ट नहीं हो सकते। चलो आखिरी बार जानवी सिखा के जावांगे थोड़ा खली भाई ने खली भाई बोलो वंस देयर वाज अ लोमड़ी वन देश वार द लोमड़ी वो हमारा खेत में जा पड़ी हमारा खेत वार जा पड़ी। अच्छा मारा कुत का दाड़ पड़ी और मार कुत का दाड़ पड़ी। चलो जा सकते थे मार सकते थे लेकिन देश में आए दोबारा फिर कैसे खाली भाई पर रोक दो भाई पर चलो फिलहाल इन तस्वीरों पर हम छोड़ के जावा और क्या लग रहा है शेयर सवा शेयर पेपर शेयर करते रहे।